हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है, अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति। श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। श्री कृष्ण ने हमें कल बताया कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, कैसे ये भौतिक कार्य करती है और कैसे ये आध्यात्मिक कार्य करती है। इसके अलावा भगवान बताते हैं अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और विराट स्वरूप क्या है, यज्ञ का स्वामी कौन है, ये सब श्री कृष्ण ने बताया। अब आगे श्री कृष्ण अपनी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम वंदना करके श्री कृष्ण की वाणी सुनते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान अब आगे में क्या बता रही हैं। अंत काले च मामेव स्मरन् मोक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। हरे कृष्णा। भगवान कह रहे हैं और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हरे कृष्णा। अब भगवान ने एक चीज स्पष्ट यहाँ पर कर दी है कि जो अंत समय में भगवान का स्मरण करते हुए अपने शरीर को छोड़ता है वो भगवान के स्वभाव को प्राप्त करता है, मतलब वह भी सच्चिदानंदमय हो जाता है, वह भगवान नहीं बनेगा, उनके जैसा स्वभाव हो जाएगा, उसका शरीर भी दिव्य हो जाएगा, अर्थात वह दिव्य धाम चला जाएगा, परम धाम चला जाएगा, भगवान के भगवत धाम चला जाएगा, उसको दोबारा से फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। अब आगे भगवान अब क्या कह रहे हैं, साथ में भगवान यहाँ कहा है इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। अगर किसी को डाउट है इस बात पर तो भगवत गीता पढ़ लीजिए, भगवान स्वयं इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। इसलिए हमें अंत समय में भगवान का स्मरण करना चाहिए और अंत समय में भगवान का स्मरण तब होगा जब पूरा जीवन हमने इसका अभ्यास किया कि भगवान का नाम उच्चारण कैसे करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से अगर हम प्रयासरत रहेंगे तभी अंत समय में भगवान के नाम का स्मरण हमसे हो पाएगा। अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। तो अब इस श्लोक से पीछे वाला श्लोक भी पुष्ट हो जाता है, उसकी भी पुष्टि हो रही है। कैसे? भगवान कहते हैं अंत समय में जो भी भाव हमारे मन में होगा उसी भाव को वह निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर पूरा जीवन गलत कार्य किए हैं, मेल्स फीमेल्स के पीछे भागे हैं पूरा जीवन, तो अंत समय में क्या होगा, मरते मरते हाँ हाँ वो दिख गया इस तरह से भाव होगा। तो जिसका भाव होगा, मान लो लड़की का भाव हुआ, अगले जन्म में लड़की बन गया, उसे लड़की बनना पड़ेगा। लड़की को लड़के का भाव हुआ तो उसे लड़का बनना पड़ा। इंसान को शेर का भाव हुआ तो उसे शेर बनना पड़ गया। किसी को मांस खाने की आदत है, मांस का भाव उत्पन्न हुआ अंत समय में तो उसे पशु बनना पड़ेगा। किसी को शरीर दिखाने का शौक था और अंत समय में भी वही उसको समझ में आ रहा है कि हाँ मेरी बॉडी, मेरी फिगर, मेरा ये बाइसेप ट्राइसेप ऐसे इस तरह से मन में रहेगा तो अगले जन्म में पेड़ बनेगा, क्योंकि पेड़ ही अपना ऐसे सौंदर्य दिखा सकते हैं नग्न तरीके से। तो जैसा भाव
इंसान के मन में अंत समय में होगा वही भाव वो लेकर आगे चलेगा और उसी तरह का उसे जन्म मिलेगा। अगर हम ये भाव ऐसे ही रखते गए, जो भाव रखा उसके अनुरूप जन्म मिला, तो आना जाना जन्म मृत्यु चलती ही जाएगी, अनलिमिटेड जन्म मिलते ही जाएंगे। अगर इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना है तो हमें भगवान के नाम का स्मरण अंत समय में करना ही होगा। तब हम, भगवान कहते हैं, जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम को जाता है, मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। अगर भगवान के पास चले गए तब फिर मृत्यु या जन्म जैसी कोई चीज नहीं बचती, वो चीज यहीं पर है। जब तक हमारा भाव श्री कृष्ण में नहीं लगता तब तक हम भौतिक चीजों में अपना भाव ढूंढते रहते हैं, कभी ये भोग कभी वो भोग, कभी गलत भोग कभी सही भोग, कुछ ना कुछ भोग की हमारे अंदर तड़प बनी ही रहती है। तो इसलिए अगर जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना है, पूरा जीवन श्री कृष्ण को दे दीजिए, उनके नाम उच्चारण करते रहिए, तब अंत समय में हम भगवान का नाम उच्चारण कर पाएंगे। वरना क्या होगा, अगर हम सोच लें कि अंत समय में हम भगवान का नाम उच्चारण कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पूरा जीवन मस्ती की है, मौज की है और भगवान का नाम नहीं लिया, अंत समय में कैसे होगा। प्राण निकलते समय कितना कष्ट होता है जानते हैं आप, जब 40,000 बिच्छू एकदम से डंक मारे कितना दर्द होगा, उतना दर्द मृत्यु के समय होता है। तब उतने दर्द में क्या हमारे अंदर कोई नाम जहन में आ सकता है, कोई भगवान का नाम उस समय निकल सकता है, कभी नहीं निकलेगा। अगर हम भगवान का नाम उच्चारण आज नहीं करते तो एक ठोकर भी लग जाए तो मुंह से क्या आवाज निकलती है, जरा इस पर विचार कीजिए। आप भगवान का नाम लेते हैं या गाली देते हैं, सोच कर देखिए, अगर ठोकर भी लग जाए तो एकदम से तुरंत जो नाम निकलता है क्या निकलता है। किसी का धक्का लग जाए एकदम से तुरंत आपके मुख से क्या निकलता है, भगवान का नाम निकलता है या गाली निकलती है। यही प्रक्रिया यही अभ्यास तो हमें करना है। और जब मृत्यु के समय इतना कष्ट होगा, जब एक ठोकर लगने से या किसी का धक्का लगने से थोड़ा सा कष्ट हुआ था, उस समय भगवान के नाम की बजाय गाली निकली थी या किसी को कोसना निकला था, तो इतने बड़े कष्ट में मृत्यु के समय हम भगवान का नाम उच्चारण कैसे करेंगे, जरा इस पर मंथन कीजिए। इसलिए अभी से भगवान के नाम का उच्चारण करना शुरू कर दीजिए। हर चीज में भगवान का नाम होना चाहिए। सुबह जब हम उठते हैं भगवान के नाम के साथ हमारी सुबह होनी चाहिए, तब पूरा दिन हम भगवान का स्मरण करते रहेंगे। इस तरह से पूरा जीवन भगवान के स्मरण में निकलेगा, चाहे चोट लगे या ठोकर लगे या बुखार हो या कुछ और हो, हानि हो लाभ हो कुछ भी हो, हम अभ्यासरत हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे उस चीज के कि भगवान का नाम ही हमारे मुख से निकले। कृष्ण 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 कृष्ण, ठोकर लगी कृष्णा, ऐसे आवाज आए ना कि गाली आए। तो हर चीज में कृष्णा की पुकार होनी चाहिए, तब हम मृत्यु के समय उन 40,000 बिच्छू के डंक लगने से जो दर्द होता है उस तरह का दर्द सहते हुए तब हम भगवान का नाम ले पाएंगे, वरना नहीं। दूसरा एक और एग्जांपल आता है मृत्यु के समय का, कोई कैक्टस हमारी नाभि में से पकड़कर ऐसे ऊपर से कच 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 करता हुआ मुंह से निकाले, कितना दर्द होगा, उतना दर्द मृत्यु के समय होता है। इसलिए इस बार बार के जन्म मृत्यु के चक्र से छूटिए। आज से ही जान लीजिए कि हमें इस कष्ट भरे जन्म मृत्यु से बचना है। हे प्रभु, हमें दोबारा प्लीज, हम आपसे विनती करते हैं, आपके चरण कमलों का सहारा मुझे दीजिए। दोबारा हम नहीं आना चाहते इस जन्म में या किसी भी जन्म में, हमें दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में मत फंसाइए, हमें हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। इस तरह से भगवान से विनती करते हुए, अपने आंसू टपकाते हुए अंदर से भगवान के प्रति समर्पित हो जाइए और भगवान के नाम का उच्चारण हर पल करते जाइए, तब निश्चय ही भगवान कृपा करेंगे और अपने धाम हमें ले जाएंगे और इस पीड़ादायक जन्म मृत्यु से हम बच पाएंगे। सोच कर देखिए कितना कितना बड़ा रहस्य है ये,
जन्म के समय भी कितना कष्ट होता है। शिशु जब गर्भ में होता है ना, तो लगभग 8वें महीने में शिशु भगवान से प्रार्थना करता है, 7वें 8वें महीने में, हे प्रभु, उसको स्मरण रहता है अपने पिछले जन्मों का और जो जो उसने गलत कार्य किए हैं उन सब का। तो शिशु भगवान से प्रार्थना करता है गर्भ में, हे प्रभु कृपया मुझे इस गंदगी से बाहर निकालिए, इस नरक से बाहर निकालिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, मैं आपकी शरण ग्रहण करूँगा और आपके पास आने के लिए जो भी क्रियाएं होती हैं, आपकी भक्ति, मैं उसे अवश्य ही करूँगा, मुझे इस नरक से निकालिए। तब शिशु का जन्म होता है, इस संसार में आता है शिशु। जन्म मतलब सो कॉल्ड जन्म, जिसे हम जन्म कहते हैं, मतलब आत्मा शरीर का धारण करके इस संसार में आती है, उस समय की बात है। तब माया का पर्दा पड़ जाता है, मेरा बच्चा, ये बुआ, ये मौसी, ये ताई, ये चाची, इतने सारे खिलौने, बस माया का अटैक फिर से शिशु पर हो गया और जो प्रॉमिस वो 2-3 महीने पहले उसने किया था भगवान से वो भूल गया। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसके मन में हम फिर से वही सब माया वाले चीजें डाल देती हैं, तुझे पढ़ना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे धन कमाना है, ये करना है, वो करना है, हमारा बुढ़ापा सुधारना है, पता नहीं तरह तरह के बोझ उस पर डाल देंगे, माया वाली सारी चीजें उसे बता देंगे, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं बताएंगे। तब शिशु का क्या कसूर रह गया? कसूर तो हम लोगों का है जो बच्चे को जन्म होते ही भगवान की शिक्षा नहीं देते। अगर उस शिशु को भगवान की शिक्षा मिल जाती है कहीं से, तो हम उसे रोकने का प्रयास करते हैं, नहीं मंदिर नहीं जाना, कहीं तू ब्रह्मचारी ना बन जाए, हमारा क्या होगा, बस अपनी अपनी पड़ी है, हमारा क्या होगा, शिशु का क्या होगा, वो जन्म मृत्यु में फंसा रहेगा, वो नहीं, नो, हमारा क्या होगा। इस चक्कर में हम उस बच्चे को भक्ति में लगने ही नहीं देते। वो दारू पिए ठीक है, ओके है, गलत कार्य करे ओके है, हमारे पास तो है, हमारा भरण पोषण करता रहेगा, बस ये चिंता है, उसके जन्म मृत्यु की चिंता नहीं है। हमारा उसके प्रति कितना लाड है, जरा सा बुखार हो गए ये डॉक्टर इकट्ठे कर दिए, पर जो उसकी असली समस्या है, बार बार वो बेचारा जन्म लेगा मरेगा, जन्म लेगा मरेगा, वो चिंता नहीं है। कृपया उसकी चिंता कीजिए, खुद भी भगवान का स्मरण कीजिए, जो नवजात शिशु होते हैं उन्हें अभी से भक्ति में लगाइए, इस मार्ग पर लेकर चलिए। अब अगले श्लोक में भगवान ये बताएंगे कि सिर्फ भक्ति करें कुछ और ना करें ऐसा भी नहीं है, भक्ति करें और अपने कर्तव्यों का पालन भी करें। ये नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताएंगे, जिसे हम कल सुनेंगे, आज नहीं। आज हमें ये जानना है कि अंत समय में भगवान का स्मरण करने से हम इस जीवन मृत्यु के पीड़ादायक चक्र से छूट सकते हैं, इसलिए हमें यह कार्य खुद भी करना चाहिए, दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। अगर हम और लोगों को भक्ति में लगाते हैं तो भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं और हम भगवान के प्रिय बन जाते हैं। इसलिए खुद भी भगवान का नाम उच्चारण कीजिए, बच्चों को भी करवाइए, दूसरे बड़े बूढ़ों को भी करवाइए, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। इससे आप खुद भी इस चक्र से निकलेंगे, दूसरों को भी इस चक्र से निकलने में मदद करेंगे और श्री कृष्ण आप पर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।